जैसे ही मनोहरलाल खट्टर महेंद्रगढ़ जिले में आए थे जनसंवाद कार्यक्रम के लिए जी जी, तो हमने आपके सोशल अकाउंट से देखा था आपकी लाइव आई थी कि आप भी महेंद्रगढ़ आ रहे हो, भाई क्यों नहीं, क्या कारण था? मैं आया था जी और डाइना पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया और 100 से ज्यादा पुलिस वाले थे वहां पर। जैसे मैंने लाइव किया वैसे ही सीआईडी डीएसपी का मेरे पास फोन आया, शर्मा जी क्या प्रोग्राम है? मैंने ये कहा जी मैं दोगड़ा ही डाल रहा हूँ, खट्टर साहब से चार सवाल करूंगा। भाई दो दो दोगड़ा ही की जो बच्ची है जिसके साथ कोरोना महामारी के अंदर बलात्कार हुआ था, आज तक उस बच्ची को इंसाफ नहीं मिला। वैसे तो वो बच्ची मर चुकी है लेकिन जो उसकी आत्मा है ना वो दोगड़ा ही के इर्द गिर्द घूम रही है। तो मैंने ये कहा था लाइव में, खट्टर साहब आप वापिस चले जाओ दोगड़ाई में, मत आ जाना क्योंकि दोगड़ाई की जो जमीन है वो फट जाएगी, उसके अंदर आप समा जाओगे। तो डेगना पुलिस ने 100 से ज्यादा पुलिस वालों ने मुझे वहां अरेस्ट कर लिया। कोई आतंकवादी था क्या? मतलब बीजेपी का प्रोग्राम होता है, जब भी मेरे को एक दिन पहले बंद कर देते हैं। मेरी उम्र 55 साल की, 73 मेरे ऊपर केस चल रहे हैं, केसले में यही 506 के बीजेपी के फलाने नेता को जान से मारने की धमकी दे दी। 157 का शांति भंग करता है, बीजेपी के प्रोग्राम में आके ये गुंडागर्दी करता है। मैंने क्या गुंडागर्दी कर दी? क्या मैं सवाल नहीं करूं? मैं भूपेंद्र हुड्डा से सवाल करूं? जब हरियाणा का सीएम मनोहर लाल खट्टर है तो खट्टर ही से तो सवाल करूंगा, और किससे सवाल करूंगा? एक बात बताओ, मैं ये एक दूसरा सवाल ये कर रहा था भाई, जो ये बेटिया बैठी हुई है तंत्र मंत्र पर, ये कहा की है? अरे वो तो हरियाणा की, हमारे हरियाणा की, मान लो थोड़ी देर के लिए राजस्थान की भी होती, बिहार की होती, गुजरात की होती, बंगाल की होती, जब भी तो सवाल कर सकते हैं। क्यों नहीं बोल रहा मनोहर लाल खट्टर? इन्होंने तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रखा है और गाय के नाम से, बेटियों के नाम से वोट ले जाते हैं, लेकिन ना तो इनके घर में किसी भी एक नेता के घर में गऊ है, किसी भी नेता के घर में गऊ नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, इनके घर में कुत्ते मिल जाएंगे, वो भी डबल बेड के ऊपर। इन्होंने आज तक गऊ को रोटी नहीं दी होगी, सिर्फ ये गऊ के नाम से राजनीति करते हैं। आज देख लो देश के अंदर महंगाई कितनी है, आसमान छू रही है। और मैं आज आपके एरिया में बैठा हूँ महेंद्रगढ़ जिले में, मैं 15 साल से लगातार महीने डेढ़ महीने में आता हूँ और 15 साल से इस एरिया को देख रहा हूँ। 15 साल पहले जैसा ही, जैसा पहले था आज भी वैसा ही है। इस एरिया का किसी ने उद्धार नहीं किया। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, युवा जो साथी है।